बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों वाला हिमालय सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ छिपी बेशकीमती जड़ी बूटियों के लिए भी पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। एक मीडिया वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक साल 1998 में की गई रिसर्च से पता चला कि हिमालय में औषधीय गुणों वाली प्रजातियों की संख्या 1748 है, लेकिन बदलते मौसम ग्लोबल वार्मिंग के चलते इन जड़ी बूटियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। कई औषधीय जड़ी बूटी विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है तो कई अब रेयर लिस्ट में शामिल है। मीजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा और डेक्टाइलोरिजा हैटागीरिया मीजोट्रोपिस पेलिटा को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। बेमौसम बारिश और बर्फबारी जड़ी बूटियों की ग्रोथ पर असर डालती है। वहीं इस बार नवंबर महीने में हुई बर्फबारी से जहां वैज्ञानिक यह आशंका जता रहे थे कि इस बार जड़ी बूटियों की पैदावार अच्छी होगी, वहीं नया साल आते आते बर्फबारी न होने से एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दरअसल अब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्रामीण जड़ी बूटियों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ तापमान में हो रही वृद्धि से इन जड़ी बूटियों की पैदावार पर असर पड़ रहा है। इनके उत्पादन में कमी देखी जा रही है। वहीं कई ऐसी जड़ी बूटियां जो विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। हिमालय में हो रहे मौसम परिवर्तन से यहां उगने वाली बेशकीमती अतीश, चिराइता, कूट, चोरू, जटामासी, भूतकेशी, कुटकी समेत कई ऐसी जड़ी बूटियां जिनका प्रयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है, लेकिन अब इनके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।